मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, मानसिक उपचार तज्ञ हूँ और पिछले 3 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट केलकर हॉस्पिटल रामदास पेट अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मेरा पैशन है कि मैं लोगों तक साइकेट्री का अवेयरनेस कराऊं और मैं वीडियोस के द्वारा लोगों में और मतलब पेशेंट्स में और पेशेंट के रिलेटिव्स में साइकेट्रिस्ट के का अवेयरनेस कराने वाला हूं। आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया को हमारे भाषा में बोलते हैं स्मृति भ्रंश। जो थिंकिंग कैपेसिटी है या कॉग्निशन वो अगर खराब हो जाए और फॉरगेटफुलनेस आए तो उसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया बहुत लोगों में होता है। अप्रोक्सीमेटली पूरे दुनिया में लगभग 5% लोगों को डिमेंशिया पाया गया है, अभी मिल रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रही है और साथ में ही डिमेंशिया की बीमारी भी बढ़ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जब डिमेंशिया होता है तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ये लगता है कि ये पेशेंट जानबूझ के कर रहा है या तकलीफ देने के लिए कर रहा है, लेकिन पेशेंट को ये समझता ही नहीं कि उसको बीमारी हुई है। इसलिए डेमेंशिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। डेमेंशिया ये मेनली 65 ईयर्स के अबव स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। डेमेंशिया होता क्यों? डेमेंशिया के कारण बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक। जीन्स में डेमेंशिया पास होता है। यदि अगर किसी व्यक्ति को डेमेंशिया है तो उनके बच्चों को डेमेंशिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होने लगती है। क्या होता है कि डेमेंशिया में ब्रेन में अलग अलग प्रकार के एबनॉर्मल प्रोटीन्स और प्लैक्स डिपॉजिट होने लगते हैं और उस कारणवश जो बुद्धि है वो, ये जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है वो खराब होने लगता है। डेमेंशिया के टाइप्स क्या है? और डेमेंशिया में और एक बात है, डेमेंशिया में एसिटिलकोलीन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो संख्या है वो कम होने लगती है। डेमेंशिया के अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर्स डेमेंशिया। अल्जाइमर्स डेमेंशिया जो अमिताभ बच्चन को ब्लैक मूवी में हुआ था उसे हम अल्जाइमर्स डेमेंशिया बोल सकते हैं, जो सबसे कॉमन है, सबसे इजिली पाया जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैस्कुलर डेमेंशिया, जो जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा रहती है उनमें वैस्कुलर डेमेंशिया पाया जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के डेमेंशिया है, जैसे पोस्ट अल्कोहल डेमेंशिया मतलब शराब की मात्रा ज्यादा होने के कारण डेमेंशिया, सूडो डेमेंशिया और डिप्रेशन। लगातार सालों से अगर डिप्रेशन है फिर भी पेशेंट को डेमेंशिया हो सकता है। पोस्ट हेडिग्री डेमेंशिया यानी सिर पर मार लगने के बाद डेमेंशिया हो सकता है। पोस्ट ट्यूमर, पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट थायराइड डेमेंशिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के डेमेंशिया हमें दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में हमने एक 70 ईयर ओल्ड डॉक्टर थे जिनको जो खुद बीएमएस डॉक्टर थे, जो बहुत ही अच्छे हाई प्रोफाइल डॉक्टर थे, उनको हमने डेमेंशिया के लिए ट्रीट किया गया। हमने उनको, उनके रिलेटिव्स को ये समझ में नहीं आया कि ये बीमारी क्या है, पर हमने उनको एडमिट किया, हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, 10-15 दिन एडमिट रखा और धीरे धीरे वो पेशेंट इंप्रूव हो रहे हैं। ऐसे हम अलग अलग प्रकार के डेमेंशिया के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। डेमेंशिया के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? डेमेंशिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस, इमीडिएट मेमोरी लॉस। जो अभी अभी चीजें हुई है वो पेशेंट भूलने लगता है। आज अभी कितना समय हुआ है, आज की डेट क्या है, मैंने खाना क्या खाया, मेरे घर का पता क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मैंने आज दिन भर क्या किया, ऐसी छोटी छोटी चीजें पेशेंट भूलने लगता है। लेकिन उनको पुराने यादें ध्यान में रहती है, जैसे हमारी शादी कब हुई, 15 साल बाद पहले हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंस डे कब है, ऐसी पिछली बातें उनको याद रहती है, लेकिन जो हाल ही में चीजें हुई है वो भूलने लगते हैं। पेशेंट का थिंकिंग कैपेसिटी खराब होने लगता है। क्या सोचना, क्या करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये उन्हें समझ में नहीं आता। पेशेंट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो खराब होने लगता है। प्लानिंग कैसे करना, कैलकुलेशन कैसे करना, लॉजिक कैसे डिराइव करना, ये पेशेंट को समझ में आता नहीं। पेशेंट का अटेंशन स्पैन भी खराब होने लगता है। हर चीज में जो अटेंशन देने की क्षमता है, कॉन्सेंट्रेशन की जो क्षमता है वो खराब होने लगती है। पेशेंट की लैंग्वेज चली जाती है, पेशेंट गड़बड़ा जाता है,
पेशेंट की जो भाषा है वो खराब होने लगती है, पेशेंट को अग्नोसिया हो सकता है, मतलब पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते नहीं आते, पेन को पेन बोलते हैं, पुस्तक को पुस्तक बोलते हैं, कैमरा को कैमरा बोलते हैं, ये पेशेंट को समझ में नहीं आता। उनके बिहेवियर में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में मैं और सिम्टम बताऊंगा डिमेंशिया के बारे में, मैं ऐसे और वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वो अलग अलग YouTube वीडियोस देखिए और मैं जल्दी सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगा।